जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और सबसे बड़ा अपडेट बीपीएससी 68वीं को लेकर है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। सबसे पहले एक बात बता दें, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा यानी कि आज शाम तक या देर रात तक 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा और उस नोटिफिकेशन क्या क्या चेंजेज आपको देखने को मिल सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो सबसे पहले बता दें, सभी विद्यार्थी का ये हमेशा से वेट था कि 68वीं का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो 68वीं का नोटिफिकेशन आज आने की प्रबल संभावना है। और एक बात मैं आपसे बता दूं, 68वीं का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें कितना सीट रहेगा, क्या नंबर ऑफ वैकेंसी रहेंगे और किस तरीका से उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, इस बात को मैं आपको बताऊंगा। तो पहला चेंजेस नंबर वन होगा कि इसमें 150 प्रश्न तो होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन निगेटिव हो जाएगा, यानी कि 150 का 150 प्रश्न आपका निगेटिव रहेगा, इस बात को समझेंगे। यदि आप कोई भी प्रश्न का जवाब गलत देते हैं तो उसके लिए अंक काटा जाएगा, लेकिन कितना अंक काटा जाएगा इसको लेकर मैं अभी बताऊंगा, अंत तक वीडियो देखेंगे। एक बात और आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा कि उसमें से ई ऑप्शन को हटा दिया जाएगा। यदि ई ऑप्शन हट जाएगा और आपका निगेटिव हो जाएगा, यानी कि दो प्रकार का चेंजेस आपको मिलेगा। पहला चेंजेस ये कि एक आपका 150 का 150 तो प्रश्न रहेंगे, उसमें से ई ऑप्शन को हटा दिया जाएगा और आपसे बता दें निगेटिव लागू कर दिया जाएगा। और निगेटिव कितना होगा, 1/3 निगेटिव होगा। कितना होगा, तो 1/3 निगेटिव होगा, यानी कि यदि आप 3 गलत करते हैं तो 1 सही प्रश्न का अंक काट लिया जाएगा। फिर से आप समझेंगे, अभी जो खबर निकल के आ रही है कि आज देर रात तक 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा और इसमें एक सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, वह मिलेगा कि ऑप्शन ई को हटा दिया जाएगा और एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कि निगेटिव लागू कर दिया जाएगा और एक बदलाव आपको मिलेगा कि निगेटिव 1/3 रहेगा, इस बात को आप समझेंगे। और एक बात बता दें, ये एक थोड़ा बहुत अगर नोटिफिकेशन आए तो यही रहेगा, ये बात आप समझे, थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल भी सकता है, क्योंकि और कुछ यदि ऐड किया जाए, देर शाम तक मीटिंग होने वाला है और मीटिंग होगा और ये आप लोगों का सीट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और एक बात आपसे बता दें, जितने भी बीपीएससी के विद्यार्थी हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।